सलीम साहब, आज ये नंजनगढ़ तालुक से आप आए हुए हैं। आप चूंकि KPCC के जनरल सेक्रेटरी हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ नंजनगढ़ तालुक के पंचायत में 24 ग्राम वगैरह आते हैं, तो इनमें दो अफराद जो आए हैं इनका नाम बताइए और ये बताइए। रहमतुल्लाह हलरे ग्राम पंचायत से जी, और घगिनवाड़ पंचायत से मुश्ताक अहमद कर रहे हैं जी जी। टोटल हमारे नंजनगढ़ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जी हलरे पंचायत है, घगिनवाड़ पंचायत है, हुल्लड़ी पंचायत है, पंचायत है, अडियाल पंचायत है, ये पाँच पंचायत पूरी जो साहब औकाफ मिनिस्टर थे जी उस टाइम पर पूरे मस्जिद का रिजर्वेशन जी, कब्रस्तान के कंपाउंड, ईदगाह कंपाउंड और सारे मौजन और इमाम के क्वार्टर्स, मस्जिद का रिनोवेशन और जो हाउस और छत है इसके सब इसके वास्ते बहुत सारे फंड्स दिए थे। वो फंड्स के वजह से पूरे जो गैर मसबी हैं उन सब हमारे पर बहुत ये को कामी कामयाबी के वास्ते हासिल करने के वास्ते ये काम ना जरिया बनिया। इसके साथ साथ अब क्या है, नंजनगढ़ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वरुणा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, चामुंडेश्वरी, मैसूर तालुक, इतने पूरे पंचायत को एक ही एक बैकवर्ड BCMA पंचायत का रिजर्वेशन बना कर इनको एक एक ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होने के लिए इसी तालुकात से सबके वास्ते दरखास्त करने के लिए हम सब आ करें। बिल्कुल सर साहब, ग्राम पंचायत के जो ये लोग मुंतखब हुए हैं इनको आप क्या गाइडेंस करना चाहेंगे क्योंकि वो नए हैं? ये हमारी कोशिश ये है जी कि मिल्लत में सियासी शुरू हो ग्राम पंचायत से शुरू हो, खिदमत का सिलसिला वहाँ से अगर जब शुरू होता है तो हमारी नुमाइंदगी का एक शौक और जज्बा हमें है ना इसकी तादाद बढ़ाने की हर हमेशा कोशिश भी रहेगी और इससे है ना मुसलमानों के लिए है ना जो खरीये के लेवल पर हमारे लीडरशिप को है ना बिल्डअप करने का होता है। रहमतुल्ला मस्जिद के सेक्रेटरी के इज्जत से हाल ही में जो भाई इलेक्शन भी हुआ उस वक्त में जब मैं गया था तो इनके खिदमत को मैं देख कर है ना इनके खिदमत को भी मैं ना समाया इनको इज्जत जज्बा अफजाई भी की थी। मुझे बेहद खुशी है कि इन्होंने इनके शौक के साथ इसी ग्राम पंचायती में और तीन अफराद को भी है ना मिल्लत के उनको भी साथ लेकर जिताने का भी काम किया है। आज पूरे तौर से 21 लोगों के पंचायत में 12 लोग इनके साथ जीते हैं, तो ऐसे हाल सूरत हाल में सदर के लिए क्योंकि ये तीसरी मरतबा जीते हैं तो ये शौक पूरे रियासत में पूरे हिंदुस्तान में अगर पंचायत से मुसलमान इलेक्शन में आने का काम करें तो हो सकता है कि हमारी है ना नुमाइंदगी का जो शुरू है और शौक है बिल्कुल और सियासी बेदारी जो है ये है ना इब्तदा से ही ना शुरू होने का एक काम है। बिल्कुल, जैसा कि सेठ साहब को औकाफ का एक बहुत बड़ा पिलर माना जाता है, इसी तरह पंचायत को लेकर मरहूम नज़ीर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे क्योंकि उन्हीं की बुनियाद थी जी जी। सी ये जो पंचायत राज का जो सिस्टम है बहुत सारे लोगों को अब्दुल नज़ीर साहब की याद आती है लेकिन इसकी बुनियाद दस्तूर आइन के आर्टिकल ये 73rd अमेंडमेंट जिसके तहत पंचायत में है ना फोर टायर सिस्टम लाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत, जिला पंचायत, ये थ्री टायर सिस्टम आने के बाद ये चीज़ है ना राजीव गांधी ने इसे लाने की कोशिश की थी। इसे है ना नज़ीर साहब यहाँ पे है ना इसे कर्नाटक में है ना जब वो वजीर है रूरल डेवलपमेंट थे तो उन्होंने इसे ज़्यादा अच्छा बिल्कुल अमल में एक शक्ल दी जी। तो बहरहाल जो भी है मुकामी जो इदारे हैं उसे ताकतवर बनाना हमारी जो कोशिश है लेकिन वहाँ जिस तरीके से आज माहौल बिगड़ता जा रहा है इसे सुधारने का भी काम हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल शुक्रिया सर।